Assalamualaikum students. My name is Mrs. Meena Madan. Today's lecture is about English from Broadway's Literature Reader Class 7, Chapter Number 1. The title of chapter is Treasure in the Garden. जिसका मतलब है बाग में खजाना. Treasure कहते हैं खजाने को और गार्डन होता है बाग, बाग में खजाना. इस चैप्टर के हम थोड़ा ब्रीफली जो इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वर्ड्स से लाने फॉरन में भी इसके एक्सरसाइज में लिए गए क्वेश्चन जो है उनको उनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. द चैप्टर स्टार्ट्स विद दिस लाइंस. वुडंट यू बी एक्साइटेड इफ यू फाउंड बडिंग ट्रेजर व्हेन यू आर डिगिंग इन द गार्डन. क्या आप पुरजोश ना होंगे अगर आपको दफनशुदा खजाना मिल जाए जब आप बाग में खुदाई कर रहे हो. इफ द ट्रेजर आल्सो हैज हिस्टोरिकल वैल्यू और अगर उस खजाने की कोई तारीखी अहमियत भी हो, हाउ वुड यू फील, आपको कैसा लगेगा. इन लाइन से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इससे पता चलता है कोई खजाना है जो कि तारीखी अहमियत का है और वो बाग में गार्डन में के नीचे है. इसके पहले पैराग्राफ में राइटर जो कि बच्चा है, एक बच्चा की कहानी लिखता है वॉइस, जो कि स्टार्ट करता है अपने घर के गार्डनर घर के माली से जिसका नाम ढकी है. वो ढकी का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि ढकी सारा दिन बाग में काम करता रहता है बगैर आराम किए. वो घंटों जो है ऑन ऑन चीज अपने पैरों में बैठे बाग में कभी गोटी करता है, कभी नए पौधे लगाता है, कभी पुराने लगे हुए फूलों की क्यारियों को जो है उनको दुरुस्त करता है, कभी पौधों की तरतीब को छेड़ता है. यानी कि वो अपना सारा दिन जो सारा टाइम है बाग में अपने काम में मगन होके गुजारता है. और ये जो राइटर है, जो कहानी लिख रहा है हुसैन ने, वो एक छोटा बच्चा है जिसका नाम रस्किन है. और वो रस्किन इस बात का इजहार भी इस पहले पैराग्राफ में पहले पेज में करता है कि मुझे भी मिट्टी को खोदने का बहुत शौक है. वो कहता है कि मिट्टी खोदना मुझे शौक पसंद है, लेकिन मैं कोई और ये मेरी कोई प्योरिटी नहीं है कि मैं इसमें क्या लगाऊँ, कोई पास पौधा लगाऊँ या पास कोई गमला लगाऊँ, बस उसे मिट्टी को खोदना जो है वो बहुत पसंद है. और इसी अपने शौक को पूरा करने के लिए जब वो बाग में जाता है और कभी पट्टी को छेड़ने की कोशिश करता है तो जो बाग का गार्डनर है मालिक है वो इसे ये कह के भगा देता है, आप चले जाओ यहाँ से, आप मेरे बाग में लगे हुए काम को फूलों की क्यारियों को खराब कर रहे हो या उनमें छेड़खानी जो है ना करो. और वो उसे कहता है कि आप चले जाओ वरना जो गार्डनर जिसकी सुपरविजन है वो जो माली जो है वो एक और कैरेक्टर में नजर आता है पहले ही पैराग्राफ में, ग्रैनी का. ग्रैनी नानी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है. और वो रस्किन कहता है कि वो माली जो है मुझे इस बात की धमकी लगाता है कि चले जाओ वरना आपकी ग्रैनी को आपकी शिकायत करेगी. लेकिन उस बच्चे को शौक देते हुए आफ्टर ऑल ग्रैनी जो है वो उसे इजाज़त दे देती है मिट्टी को खोदने की, बाग में खुदाई करने की. लेकिन जो ग्रैनी है वो उसको फ्रंट लॉन जिसको कि उन्होंने बहुत अच्छा सजाया हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे मुख्तलिफ़ के फूल हैं, और दादी जो जो ढकी है वो दादी की सुपरविजन में दादी के ऑर्डर्स के मुताबिक उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है, क्योंकि ये फूल जो है ये लोकल एग्जीबिशन में जो है वो भी रखे जाते हैं किसी न किसी प्राइस को डील करने के. तो दादी उसे फ्रंट लॉन में जहाँ पे कि पूरी तरीके से माली जो है वो अपना काम कर रहा है वहाँ पे तो उसे इजाज़त नहीं देती, लेकिन इसे ये कहती है कि आप ऐसा करो घर के पिछली तरफ जो ज़मीन है जो फालतू टुकड़ा पड़ा हुआ है मट्टी वाला और वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं होता माली का, वहाँ पे कुछ बोया नहीं गया, आप वहाँ पर जाकर खुदाई कर लो और अपनी मट्टी को खोदने का शौक जो है पूरा कर लो. लेकिन इस दौरान दादी कहती है कि वहाँ पे चूँकि जहाँ पे काम ना किया जाए और मट्टी हो नरम हो तो वहाँ पे खुद रुख होते हैं जो तो खुद से होते हैं, उन्हें लगाया नहीं जाता, जिन्हें आप खुद रुझाड़ने भी कहते हैं,
दौरान तुम ये खुदाई करो और इस दौरान अपना शौक पूरा करो, और अगर इस दौरान भी तुम खुद पौधे लेंगे जो झाड़ में है इनको भी खोद निकालो। यानी कि दादी का मकसद होता है कि चलो इस तरीके से वो जो हिस्सा है घर की पिछली तरफ बेकार पड़ा हुआ है, फालतू है, बंजर है, उसकी सफाई भी हो जाएगी। और डस्टिंग जो है, जो बच्चा है वो भी बहुत खुश होता है कि उसको पट्टी खोदने की भी जो है उसका शौक पूरा हो जाएगा। और वो बड़े शौक जोर शौक से एक छोटी बेलचा जिसे खुरपी कहते हैं, जिसे आमतौर पर माली हल्की हल्की गोडी करती है, उस खुरपी की मदद से, उस पैर की मदद से घर के पिछले वाले हिस्से में मट्टी खोदना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि इसमें एक और कैरेक्टर में नजर आता है ग्रैंडफादर का, जो दादा या नाना हो सकते हैं। ग्रैंडफादर आते हैं और उनसे कहते हैं कि छोटी सी खुरपी से तो तुम ज़्यादा अच्छा खोद नहीं सकते, तो तुम ऐसा करो तुम गार्डनिंग टूल्स यानी कि बाप में काम करने के जो आलात हैं उनके साथ काम करो, और तुम ऐसा करो कि पिच फॉर्क जिसे कि थोड़ा कुल्हाड़ा टाइप कहते हैं, कदाल कहते हैं, आपको भी ज़्यादा मट्टी खोदने के लिए इस्तेमाल होता है। दादा उसे कहते हैं कि तुम इस पिच फॉर्क के साथ जो है मट्टी को खोद ज़्यादा अच्छी खुदाई तुम कर सको। रस्किन बहुत खुश होता है और वो मट्टी को खोदना शुरू कर देता है उस कदार की मदद से। इसी दौरान उसके अंकल केन, एक और कैरेक्टर मिलता है अंकल केन का, जो बहुत बड़ा कैरेक्टर तो नहीं है, बस थोड़ा सा उनकी हल्का सा इंट्रोडक्शन है कि वो घूमते फिरते आते हैं। जब ये बच्चा खुदाई कर करके पसीने में शराब हो रहा है तो अंकल केन उसे कहते हैं, जो खुद खाने पीने के बहुत शौकीन है, फूडी है, वो कहते हैं बड़ा अच्छा तुम काम कर रहे हो कि मुशक्कत करने के बाद तुम्हें अच्छी भूख लगेगी। और वो खुद एक सैंडविच खा रहे होते हैं चिकन के गोश्त का, मुर्गी के गोश्त का, तो कहते हैं कि चिकन सैंडविच जो है तुम ये बना के खाना इतनी मेहनत करने के बाद, इससे तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा। तो बच्चा रेस्किन जब खुदाई कर रहा होता है बाप में, तो उसके बाद काफ़ी दिन तक खुदाई करने के बाद एकदम से उसका बेलचा जो है किसी सख्त चीज़ से टकराता है, और जब वो खोदता है तो उसे लोहे की गेंद नुमा गोली जो है वो नजर आती है, जो बॉल्स की बॉल से गेंद से थोड़े छोटे साइज की होती है और वो किसी धातु की लोहे की बनी होती है। तो बड़ा हैरान होता है कि ये गोल सी चीज़, जैसे कि उसके पास ऑलरेडी कैंची होते हैं जैसे शीशे के मार्बल्स होते हैं, वो कैंचों से खेलता है, उससे उस मार्बल जैसी लगती है। बड़ा हैरान होता है कि यहाँ से कहाँ से आई। वो उस लोहे की गेंद को या बास्केट बॉल को लेकर अपने दादा के पास जाता है, ग्रैंडफादर के पास, और उन्हें दिखाते हुए कहता है कि दादा ये क्या है। दादा जो उस वक्त अपनी आरामदेह चेयर पे बैठे चिड़ियों को, रामचे में बैठे चिड़ियों को दाना डाल रहे होते हैं, उस गोली को बड़ा करीब से मुआयना करते हैं और उसे बताते हैं कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है तुम्हें, ये तो तुम्हें बंदूक की पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाली, हज़ारों साल पहले इस्तेमाल होने वाली बंदूक की गोली मिली है। और ये गोली जो है दादा जो कि खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तारीख के बारे में, और उनके पास एक लाइब्रेरी है जहाँ पे उनके पास बहुत सारी बुक्स हैं और उसमें से एक बड़ी तादाद हिस्टोरिकल बुक्स की हैं। तो दादा कहते हैं कि ये जो तुम्हें ये तो बड़ी जो गोली है ये फौजी लोग इस्तेमाल करते थे, बंदूक उस बंदूक की गोली है, और बड़ी हैरत की बात है कि ये तुम्हें अपने घर के गार्डन में मिली है क्योंकि ये फौजियों के इस्तेमाल की चीज़ है। तो वो बड़ा हैरान होता है और दादा कहते हैं कि तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो फाइंड आउट की है, तो मैं ज़रा बुक्स देखूंगा, चेक करूंगा और फिर आपको बताऊंगा, और आप ऐसा करो ये खुदाई जो है वो करते रहो। दादा अपनी हिस्टोरी, फिर दादा बाप ने अपनी हिस्टोरिकल अपनी तारीखी नॉलेज के मुताबिक, तारीखी याददाश्त के मुताबिक से बताते हैं कि उनका घर जो है वो उस जगह सिचुएटेड है, उस जगह वाक्य है जहाँ पर सैकड़ों साल पहले अंग्रेज सिपाहियों और जो है नेपाल के दुकास के दरमियान जंग हुई थी, क्योंकि वहाँ के नेटिव थे, जंगजू लोग थे, और जब अंग्रेज़ों ने ये स्टोरी जो है वो सब कॉन्टिनेंट के बारे में इलाके के बारे में कही गई है, तो दादा कहते हैं जिस जगह हमारा वाक्य वाक्य है यहाँ पर सैकड़ों साल पहले जब अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था तो उन्होंने एक जंग लड़ी थी जो कि गुरदास के खिलाफ थी, और गुरदास कौन थे, वो नेपाल के जंगजू लोग थे जो अपनी आज़ादी की खातिर वो अपने लोग के कब्जा नहीं करने देना चाह रहे थे अपने इलाके में, और वो अपनी आज़ादी की खातिर उन्होंने अंग्रेज़ों से
तस्वीर के नॉलेज में ये भी इजाफा करते हैं कि उस वक्त जो है वो ये बंदूक की गोलियाँ जो है की वाली बंदूकें उस जमाने में इस्तेमाल होती थी और ये लाजम किसी सोल्जर जो है उसकी हाथ से चलाई गई बंदूक है और उसकी गोली है। और फिर दादा कहते हैं कि तुम खुदाई जाए तो हो सकता है कि तुम्हें और तारीखी अहमियत की चीज़ें मिलें। रस्किन ये सुनकर बड़ा पुरजोश होता है और वो फौरन अपने आप को समझता है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट बन गया है। आर्कियोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स वो लोग होते हैं जो कि पुराने ज़माने का जो आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं पुरानी और उसके मुताबिक पुरानी तहजीबों का चीज़ों के जरिए खुदाई करके पुरानी चीज़ों से पुरानी तहजीबों का पता लगाते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो वगैरह के इलाके हैं तो इनके इलाकों की सर्च होती है वो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं रिसर्च इसके बारे में। तो इसी तरह वो बच्चा जो रस्किन है वो अपने आप को एक आर्कियोलॉजिस्ट बना लेता है और माजी को ढूंढने काटने की जल्दी शुरू कर देता है। और इस दौरान उसे कुछ चीज़ें और मिलती हैं यानी कि उसे सिपाहियों का एक बेल्ट बकल मिलता है यानी बेल्ट का एक टूटा हुआ दस्ता मिलता है और फिर उसे किसी सिपाही का नेम कार्ड मिलता है जो कि सिपाही की यूनिफॉर्म से टूट के गिरा होता है। ये नेम कार्ड धात का बना होता है और जब रस्किन दादा को ये दिखाता है तो दादा से देख के कहते हैं कि ये लाजिम किसी फौजी का होगा। उसमें कुछ हलूक भी होते हैं जिसमें से कुछ मिटले होते हैं जो रस्किन है कुछ हलूक पढ़ता है ANSE बाकी हलूक मिटे होते हैं। तो दादा कहते हैं कि मैं अपनी बुक्स को देखूंगा और देखूंगा कि शायद कि मुझे ऐसा कैरेक्टर ऐसे फौजी स्नान से मिलता जुलता मिले ताकि हम उसका पता लगा सकें। फिर उसके अलावा रस्किन को एक टूटी हुई चाय की प्याली भी मिलती है जो जिसको देखकर दादा हंसते हैं और कहते हैं मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था तुमसे भी छोटा था तो ये मुझसे टूटी थी और मैंने डर के मारे से मट्टी में छुपा दिया। फिर एक दिन दादा से बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो रस्किन मैंने अपनी लाइब्रेरी में बैठी होती है वो और उसे कहते हैं कि देखो मैंने ढूंढ निकाला है कि जो तुम्हें नेम प्लेट मिली थी कि हमारा सोल्जर था ये लेफ्टिनेंट एंसल था जो कि 1818 में 5 मई के जंग में जो ग्रेस और गुरकास के दरमियान लड़ी गई थी उसमें मारा गया था। तो रस्किन ये सुनकर इतना पुरजोश और हैरान होता है कहता अच्छा ये हमारी सिपाही का बेल्ट बकल नेम कार्ड है और बेल्ट बकल है तो इसका मतलब है उसकी डेड बॉडी भी हमारी गार्डन में होगी। जिसे देख के सुन के दादा बहुत हंसते हैं और कहते नहीं बेटा ऐसा नहीं होता जो फौजी जंग के दौरान मारे जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को लेकर पीछे रेजिमेंट की तरफ चला जाया जाता है अपने दस्तों में चले जाया जाता है और फिर उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ सुपुर्द खाक किया जाता है। रस्किन का हाल खुदाई करता है तो फिर एक अरसा उसे कुछ और नहीं मिलता कई दिनों की जद्दोजहद के बाद। और फिर क्या होता है कि वो अपनी खुदाई अपनी आर्कियोलॉजिस्ट की जो बना होता है वो उससे बोर हो जाता है और उसे अपनी बाइसाइकिल जो है वो याद आने लग जाती है जिस पर बैठ के वो पूरे इलाके में घूमता फिरता है और अपने इलाके के बाहर जो है बहुत सारी सराउंडिंग्स को उनके बारे में जानता है। तो फिर वो क्या करता है कि वो पहले तो सबसे पहले खुदाई कर रहा था वाली बनना चाहता था उसमें कुछ भी लगाना चाहता था उसके बाद वो आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता था और माजी को ढूंढ निकालना चाहता था लेकिन एंड में फिर उसे वो इन चीज़ों से भी बोर हो जाता है और फिर वो क्या करता है कि अपनी छोड़कर खुदाई का सब वाली की स्कूल छोड़कर वो अपनी बाइसिकल लेकर जो है अपने सराउंडिंग्स में घूमने फिरने निकल जाता है। लास्ट कहना था आपने रस्किन ये एडमिट करता है कि मुझे ना तो माली बनना है ना मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है बल्कि इस बात का इजहार करता है कि शायद मैं बड़ा होकर राइटर बनूं क्योंकि मुझे कहानी लिखना अच्छा लगता है और मुझे इससे बहुत सारा जो मेरा नॉलेज है जो मैं कुछ मुख्तलिफ काम करता रहता हूँ इससे मुझे कहानी लिखने में मदद मिलती है। और इसलिए तो मैंने मेन ब्रीफ जो है इस चैप्टर का आपको दिया है और बताया है कि चैप्टर जो है क्या है इसमें पता चल रहा है कि एक मेन कैरेक्टर रस्किन है जो कि छोटा बच्चा है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है घर में और दूसरा कैरेक्टर जो मेरा मेरे साथ है मालिका है जो कि बिल्कुल रस्किन की इंटरफेरेंस अपने काम में बर्दाश्त नहीं करता। चलिए स्टार्ट करते हैं उसके बाद जैसे मैं बोर्ड पर लिख चुकी हूँ कुछ वर्ड सिनोनिम हम वर्ड सिनोनिम से स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ वन में जो हमें पहला वर्ड नजर आता है और कॉन्शियस इसका सिनोनिम है टू स्कॉर्ड जिसका उर्दू मीनिंग है अपनों बैठना। आमतौर पर अक्सर आपने देखा होगा कि खासतौर में माली या बहुत सारे लोग अपने पैरों के बल
इस पोजीशन को लेफ्ट इस पोजीशन में बैठने को कहते हैं ऑन हॉन्चेस। दूसरा वर्ड हमें नजर आता है जीनियास, ये फूलों की इकसाम है। हमने देखा है कि बाली में बहुत तरह तरह के फूल लगाए हुए हैं जो कि लोकल एग्जीबिशन में दादी रखवाती है, दादी का शौक है और वो प्राइज भी जो है वहाँ से कोई ना कोई जीतते हैं। थर्ड वर्ड इज डेडिकेटेड, जिसका मतलब है कमिटेड, अपने काम में मगन हो। स्टिंगिंग नेटल्स, नेक्स्ट वर्ड इज अ प्लांट विद शार्प पॉइंट्स, कांटेदार पौधे को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिस्टर्स, जिसका मतलब है स्वेलिंग, स्वेलिंग छालों को कहते हैं। सिक्स्थ वर्ड इज पिचफॉर्क, गार्डन टू खांचा। नंबर सेवन स्पैड, ये भी गार्डन टूल है, खुरपी इसका उर्दू मतलब है। नंबर एट पिचैक्स, कदाल को बोलते हैं। नंबर नाइन मस्की बॉल, जो कि रस्की को मिली थी डिगिंग के दौरान, फायर फ्रॉम ओल्ड गन, पुरानी बंदूक से चलाई हुई गोली। अब वो बंदूकें इस्तेमाल नहीं होती हैं तो उसकी खास शेप वो बहुत बड़ी गोली साइज में होती थी बंदूक जो, और जब चलाई जाती थी तो फिर उसके अंदर से एक शेल निकल के जल के गिरता था जो कि मस्की बॉल कहलाता था। नंबर टेन स्टॉकेट, पोस्ट को कहते हैं चौकी, अक्सर आमतौर पर अभी भी हमें नज़र आती है पुलिस पोस्ट नज़र आती है। स्टॉकेट टेम्परेरी चौकियाँ होती हैं, पहले ज़माने में तो जंग के दौरान में पाई जाती थी, लेकिन आजकल सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमें अक्सर जगह जगह पर किसी न किसी रुकावट की सूरत में वो सोल्जर्स ने अपनी स्टॉकेट बना ली होती है। नंबर एलेवन समिट, टॉप पहाड़ की चोटी को कहते हैं। नंबर ट्वेल्व वेंटेज, सेफ पोजीशन, महफूज मुकाम। नंबर थर्टीन कैनन, लार्ज हैवी गन ऑन व्हील्स, तोप को कहते हैं जो जगहों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर फोर्टीन वर्ड आर्कियोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज ओल्ड सिविलाइजेशन, वो लोग जैसे मैंने पहले मौजूदारों का जिक्र किया है कि जो लोग पुरानी चीज़ों से पुरानी मट्टी के दफन शुदा या खुदाई करके जिन चीज़ों के जरिए जो चीज़ें मिलती हैं दफन शुदा उनसे उस तहजीब को उस जमाने के लोगों का पता चलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। बाहिर आसार कदीमा। नंबर फिफ्टीन वर्ड इज एस्कावेट, इट्स सिनोनिमस डिग यानी खुदाई। नेक्स्ट वर्ड इज टिक, एक्सपेक्टेड मतवक्को। नंबर नेक्स्ट वर्ड इज एग्जीबिशन, एग्जीबिट्स आर्टिकल्स टू बी पुट अप टू बी सीन, जो चीज़ें नुमाइश में एग्जीबिशन में जाएं और एग्जीबिशन में जो चीज़ें देखने जाती हैं, जो चीज़ें लगाई जाती हैं, जिन चीज़ों की एग्जीबिशन की जाती है उन्हें एग्जीबिट्स कहा जाता है। द लास्ट वर्ड इज कन्फेस, एडमिट, एतराफ करना। रस्की में भी जब इसको ये चीज़ें मिली थी, जैसे उसे बस मस्की बॉल मिला था, बैंड पकड़ मिला था, एक मारे जाने वाले सोल्जर का उसे नेम प्लेट मिली थी, तो उसने फिर क्या किया था, उसने क्यूरेटर बन गया था वो, और उसने अपना एक म्यूजियम बना दिया था घर पर एक फालतू जगह पर, और उसमें वो एग्जीबिशन अपने पुराने संदूक दादा के मशवरे के बाद दो पुराने संदूक जोड़कर उसमें कपड़ा बिछा कर उसने वो चीज़ें रख ली थी और एक म्यूजियम बना दिया था जिसका वो खुद क्यूरेटर यानी कि इंचार्ज बन गया था। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। आफ्टर वर्ड्स एंड नॉलेज एंड उर्दू मीनिंग्स, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। इन द एंड ऑफ लेसन वी फाइंड एक्सरसाइज, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो ये चैप्टर हमने भी किया है इससे रिलेवेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड रस्की डिसाइड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ गार्डनिंग हिमसेल्फ, यानी रस्की ने ये क्यों फैसला किया कि उसे खुद से गार्डनिंग करनी है, बागवानी करनी है। तो हमने जैसे चैप्टर में पढ़ा, हमने देखा कि जो गार्डनर जो धनी था वो उसे अपने तक आने नहीं देता था, बाग में घुसने नहीं देता था, तो उस वक्त रस्की ने फिर ये डिसाइड किया कि वो उससे
आ गए। सो इट्स आंसर विल बी रस्किन लाइक टू डिग अप टू सॉइल। रस्किन को मिट्टी को खोदना पसंद था, सो ही डिसाइडेड, चुनाचे उसने फैसला किया टू डिग इन हिमसेल्फ, खुद से खुदाई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड डैनी वांट रस्किन टू डिग अ पर्टिकुलर पैच ऑफ वेस्टलैंड इन द गार्डन। दादी ने रस्किन को एक फालतू टुकड़े, एक बच्चे टुकड़े की तरफ जो बाप के पीछे था वहां पर खुदाई करने के, खास जगह पर खुदाई करने को क्यों कहा? तो चैप्टर की रीडिंग के बाद हमें पता चलता है कि ग्रैनी का जो गार्डनर था, जो फ्रंट गार्डनर था, वो बहुत ज़्यादा फूलों से भरा हुआ था और उसमें वेजिटेबल्स भी कुछ थी और दादी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रस्किन वहाँ पर जाकर कोई इंटरफेरेंस करें। तो जो उसलिए उसका शौक देखते हुए उन्होंने कहा कि तुम घर के पीछे बाग की तरफ जाओ जहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ और उस फालतू हिस्से में तुम जाकर खुदाई करो। और दूसरा मकसद जो हमें नज़र आता है, जो आप दादी ने जो ऑर्डर दिया था कि तुम उस दौरान जो है वो जो कांटेदार पौधे हैं, जो कुछ झाड़ियाँ हैं, उनको खोदने वालों, यानी कि दादी इस टुकड़े की सफाई चाहती थी जो कि बेकार पड़ा हुआ था। ग्रैनी आस्क्ड रस्किन टू डिग द पैच ऑफ वेस्टलैंड। ग्रैनी ने रस्किन को कहा कि वो बंजर या फालतू हिस्से पर खुदाई करे, बिकॉज शी वॉन्टेड टू रिमूव नेटल्स फ्रॉम दिस पैच, क्योंकि वो चाहती थी कि इस टुकड़े से, इस हिस्से से ये जो खुदरू पौधे हैं या कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो निकाली जा सके, उनको निकाल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर थ्री विल बी डन ऑन बुक, यस और नो में भी इसे क्वेश्चन देना है, आंसर करना है। और ये क्वेश्चन है, अंकल कैन हैड अ गुड एपिटाइट फॉर समवन हु वाज नॉट फिजिकली एक्टिव। अंकल कैन के पास एक अच्छी भूख लगने वाली चीज़ थी, जो चिकन सैंडविच हमने पढ़ाए थे, मंच कर रहे थे, और वो किसके लिए थी कि जो कि वो जिस्मानी मशक्कत नहीं कर रहा, नहीं वो उसके लिए, यानी वो रस्किन के लिए तो थी ही कि वो चिकन सैंडविच की उन्होंने से ऑफर की थी, लेकिन वो फिजिकली एक्टिव था, वो तो उस वक्त पसीने में शराब भूत मटी खोद रहा था। तो ये इसका आंसर जो है ये फॉल्स में होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये वॉज की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हु वॉज नॉट फिजिकली एक्टिव, जबकि जो पैराग्राफ में पढ़ा है हमने देखा कि वो फिजिकली एक्टिव था, यानी कि जिस्मानी मशक्कत कर रहा था, तो इसका आंसर फॉल्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डिड ग्रैंडफादर थिंक दैट मस्किन कॉल वाज अ सिग्निफिकेंट फाइंड। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, वैल्यूएबल, अहमियत का हामिल होना। दादा ने क्यों सोचा कि जो मस्के बोल पुरानी बंदूक की चली हुई गोली रस्किन को मिली है वो तो किसी अहमियत के, किसी को वैल्यूएबल चीज़ है, किसी अहमियत के काबिल चीज़ है। इट्स आंसर मस्के बोल वॉज फायर्ड फ्रॉम ओल्ड गन यूज बाई सोल्जर्स। जो मस्के बोल थी ये एक उस बंदूक की चलाई हुई गोली थी जो कि सिपाही इस्तेमाल करते थे। That's why grandfather thought that it was a significant find. इसलिए दादा ने सोचा कि ये एक अहम जो है दरियाफ्त है, एक अहम चीज को ढूंढा है। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन grandfather's historical account, was there any link between the musket ball and the silver cartridge that Ruskin found? रस्किन ने जो सिल्वर कार्टेज, उसे जो डिगिंग के दौरान सोल्जर का बेल्ट पकड़ मिला था, या जो बेल्ट का टूटा हुआ हैंडल मिला था और सोल्जर का एक सोल्जर का नेम कार्ड मिला था, तो क्या दादा की जो तारीखी नॉलेज था उसके मुताबिक इनके दरमियान कोई लिंक था, कोई वास्ता था, कोई ताल्लुक था? तो इट्स आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर फाइव, यस देयर वाज लिंक between musket ball and silver carcase because those belong to the soldier who was killed in the war. हाँ जी, यानी कि बिल्कुल इसका इनके दरमियान ताल्लुक था, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो थी ये उस सिपाही की थी, उस फौजी की थी जो कि जंग में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, which of exhibits in the museum
देखें। अच्छा जी, दादा दादी दोनों चाहते थे कि रस्की जो है खुदाई करता रहे, मट्टी को खोदता रहे, क्या उन दोनों की इस चाहत के पीछे, इस ख्वाहिश के पीछे एक ही रीजन था, सेम रीजन से, या मुख्य वजूहत थी? तो हमने जब चैप्टर को रीड किया तो पता चला कि बोथ हैव डिफरेंट रीजंस, उनके दोनों की इस काम करने को मुख्य वजूहत थी। ग्रैंडफादर आस्क्ड रस्किन टू डिगिंग टू फाइंड समथिंग, दादा क्यों चाहते थे कि रस्किन खुदाई करता रहे, ताकि उसे कुछ मिल जाए, तो कुछ कोई और चीज ढूंढ ले। एंड डैडी वांटेड टू कीप हिम आउट ऑफ मिस्चीफ, और दादी क्या चाहती थी, दादी चाहती थी कि वो शरारतों से बाज रहे, एक ही जगह में मट्टी खोद रहा था और पूरे घर में जैसे बच्चे की क्यूरियस नेचर लगती है, वो मुख्य